अयोध्येतील महिलांनी डोक्यावर कळशात शरयू नदीचं पाणी आणलंय। शरयूच्या पाण्याने रामाला जलाभिषेक करण्यात येणार आहे आणि त्यासाठी मोठ्या संख्येने महिला इथे आलेल्या आहेत। तर या महिलांनी राम आएंगे म्हणत ठेकाही धरलाय। आजपासून राम मंदिरामध्ये धार्मिक कार्यक्रम जे आहे होमहवनाचे कार्यक्रम सुरू होत आहेत। आणि आपण पाहतोय की जलकलश यात्रा जी आहे ती राम मंदिर परिसरामध्ये दाखल झालेली आहे। डोक्यावरती कलश घेऊन या सगळ्या महिला ज्या आहेत ते राम राम करत नाचत गाजत आपण पाहतोय की राम मंदिरापर्यंत आलेल्या आहेत। आणि आजपासून धार्मिक विधींचा जो कार्यक्रम सुरू होत आहे त्यासाठी हे जल जे आहे ते वापरला जाणार। का असं हेलो अयोध्या के ही है सरयू का पानी लाए हो? जी सरयू जी का जल लेके आए हैं भगवान राम का अभिषेक कराने के लिए। हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोग सरयू जी से जल भर के लाए हैं भगवान राम का अभिषेक। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। समझ लीजिए सतयुग आ गया है और अब दिवाली जो है वो दो बार मनाई जाएगी, एक 22 जनवरी को और एक जब राम वनवास पूरा करके आए थे तब। और हम लोग खुशियाँ मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे क्योंकि फिर से सतयुग आ गया है और हम घरों में दीप जलाएंगे, भजन कीर्तन करेंगे। और ऐसा सौभाग्य जो हम लोगों को मिल रहा है ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। जिस हम लोग बहुत ही सरयू के पानी से नहाएंगे राम को? जी, उनका राज्याभिषेक कराएंगे। और ऐसा है, ऐसा सौभाग्य हम लोगों को मिला है, इसके लिए हम लोग अपनी बाड़ी से बयान नहीं कर सकते। दिल से भगवान को, मोदी जी, योगी जी को बहुत बहुत आभार है। हम लोग आज बहुत खुश हैं और इसके लिए हम लोग गाएंगे राम आए।